आईपीएल में मैच मुकाबला इस वक्त चल रहा है और ऐसा लग रहा है किंग्स इलेवन पंजाब जो है कोलकाता नाइट राइडर्स को सरप्राइज देंगे। साथ ही साथ एक और मुकाबला होगा दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस हैदराबाद सनराइजर्स। सबसे थोड़ी देर के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए काफी कुछ दांव पे लगा हुआ है। हैदराबाद सनराइजर्स पॉइंट्स टेबल पे अपनी स्थिति जो है उसको मजबूत करना चाहेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, मेरे साथ है मेरी दोस्त खुशबू। कैसी हैं आप? आज तो दिल्ली का मैच है और आपका दिल धड़क रहा होगा। और हमारे साथ तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है मनिंदर सिंह, भारत के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम हरपाल सिंह बेदी। सर बहुत स्वागत है आपका। हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत कुछ हो रहा है और भारत के लिए खासकर बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि सीरीज खेलनी है पड़ोसी से। कल मुलाकात होगी जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के चीफ और शहरयार खान पीसीबी के चीफ। कोलकाता में मीटिंग होगी। क्या भारत पाकिस्तान की सीरीज होने वाली है दिसंबर में अबू धाबी, दुबई, शारजा कहीं पर? देखिए हमारी रिपोर्ट। बड़ा अहम दिन है कल भारत और पाकिस्तान के अगर क्रिकेट बोर्ड्स की बातचीत की जाए क्योंकि जगमोहन डालमिया और शहरयार खान मिलेंगे और ये उस दौर के दिग्गज हैं। आपको याद होगा जगमोहन डालमिया के पास जब आईसीसी की पावर हुआ करती थी, शहरयार खान भी उस समय बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे पाकिस्तान में। फिर से दोनों स्ट्रांग हुए, फिर से दोनों के दोनों मिल रहे हैं। आधी कार्यवाही एन श्रीनिवासन ने शुरू की थी। बेदी सर कहां ये मीटिंग जाती हुई आपको नजर आ रही है? कोई ठोस परिणाम निकलेंगे? जहां गवर्नमेंट जाएगी इनके मिलने से क्या होता है? मिल ले, चाय पी ले, उनका क्या है? शहरयार खान का घूम रहे हैं। प्रॉब्लम पता है पाकिस्तान की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा नहीं है ना, किसी बोर्ड की बात नहीं, सिवाय इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड थोड़ा बहुत। ये बड़ा कुछ कोशिश कर ली, हम ये कर लेंगे, दुबई गए जी, उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानी आएंगे। देखिए एक बात है, एक होना पाकिस्तानी और इंडियन बाहर होना, उनके पास पैसा होना और पैसा खर्च करना, ये तीन चीज़ें डिफरेंट है। दुबई में पाकिस्तानी भरे पड़े हैं मगर आते कितने, कितना पैसा खर्चते हैं? ज़्यादा स्टेडियम में भीड़ नहीं होती, होती नहीं है। उसके बाद आप अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान का सीरीज चल रही है जी, कितने लोग देख रहे हैं, उसका आई बॉल कितना है? इंडिया में आप स्टेडियम खाली भी हो सारा टेलीविजन पैसे देता है, जब तक इंडिया डोमिनेटिंग नहीं। आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा चीजें अटकी हुई हैं। ये सेम गवर्नमेंट थी बीजेपी की, एनडीए की गवर्नमेंट थी जब आउटसाइड द इंडिया या पाकिस्तान के बाहर सीरीज पे रोक लगाई थी उमा भारती ने। ऐसा है रोक नहीं, दुबई में वैसे ही रोक लगी थी, यहाँ पर सबसे बड़ा सट्टा होता है बैटिंग सट्टा, कोई रोक भी नहीं सकता अगर दुबई दोबारा हुआ। मुझे समझ नहीं आता दुबई में क्यों होगा जब आपने बैन किया, अभी कौन सा ऐसा चेंज हो गया? पाकिस्तान की डिमांड है ना, उनके घर में क्रिकेट नहीं हो रही। पाकिस्तान को डेस्परेट है ना, पाकिस्तान का इसलिए नहीं कि वो उनके पास पैसे नहीं, उन्होंने खेल के देख लिया, उन्होंने अपने इसमें जिसमें ऐसा लफ्ज यूज करने में कोई, उन्होंने अपनी औकात देख ली। पाकिस्तानी आता नहीं है मैच देखने, और अगर आता उतना पैसा नहीं खर्चता जितना नहीं खर्चा। चलिए हमारे साथ मिर्जा।